हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड माइंड्स पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि आज मैंने ट्रेड कैसे किया और उस ट्रेड के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था। अगर हम लोग कल का मार्केट देखेंगे तो वह एक गैप डाउन खुला, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन में चला गया और फिर धीरे धीरे एक डाउन साइड का मोमेंटम देना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट कभी भी अपना चार्ट पैटर्न रिपीट नहीं करता है, तो यही सोच करके मैंने आज का प्लान बनाया कि मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो। तो अब बारी है कि हम लोग बेस्ट एंट्री पॉइंट को ढूंढें। जब मैंने चार्ट एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड में हमें कोई भी एसएल मौजूद नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना करके एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इस छोटे से रेड कैंडल को देख करके एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाई कि इसके बाद मार्केट अब अपसाइड का ही मोमेंटम देने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मेरे पोजीशन लेते ही यहाँ मार्केट ने एक कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया और टाइम डिके के कारण मेरे पोजीशन में लॉस दिखना शुरू हो गया था। और ये जो यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है, इसके कारण मेरे पोजीशन में लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि मेरे स्टॉप लॉस से ज़्यादा मेरा लॉस हो गया, तो मैंने अपने पोजीशन से एग्जिट ले लिए। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा थिंकिंग सही था, मेरे एग्जिट करने के तुरंत बाद ही मार्केट ने एक अपसाइड की बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। तो यह था आज का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और इसके पीछे का स्ट्रेटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।